नमस्कार किसान भाइयों, सियाजी सीड्स की कृषि साक्षरता सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है, आइए समझें मक्का दलहनी सिस्टम। मक्का की अच्छी पैदावार के लिए भूमि को पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो उन्हें दलहनी फसलें देती हैं। दुनिया भर में बुनियादी रूप से मक्का दलहनी सिस्टम के 3 विन्यास प्रचलित हैं, जिसे हम इस वीडियो से जानेंगे। एक तो इंटरक्रॉपिंग, जिसमें मक्का और दलहनी फसलों को एक साथ या बारी बारी से पंक्तियों में लगाया जाता है। दूसरा रिले क्रॉपिंग, जिसमें मक्का और दलहनी फसलों को अलग अलग दिनों में उगाया जाता है। तीसरा मक्का और दलहनी फसल को बारी बारी से उगाना, जिसमें मक्का को दलहनी फसलों के बाद उसी खेत में लगाया जाता है। चलिए अब देखते हैं दुनिया के दूसरे देशों के किसान इनमें से किस तकनीक का प्रयोग करते हैं और उससे उन्हें क्या फायदा मिलता है। पेरू, लैटिन अमेरिका और मध्य अमेरिका के किसान सीमित भूमि और बारिश के कारण हमेशा से मक्का को बीन्स के साथ उगाते हैं। इसकी इंटरक्रॉपिंग करने से उत्पादन की प्रति यूनिट उत्पादन लागत कम आती है, क्योंकि बीन्स मक्का की कीमत से 4 गुना ज्यादा दाम पर बिकती है। ब्राजील, कोलंबिया और मध्य अमेरिका में मक्का मई जून में और अगस्त सितंबर में मक्का के पौधों के बीच में बीन्स को लगाया जाता है। उत्तरी घाना के किसान मक्का लगाने से 3 से 6 सप्ताह पहले लोबिया की खेती करते हैं, जिससे उन्हें पौष्टिक भोजन और मिट्टी को नाइट्रोजन मिलता है। मैक्सिको के छोटे किसान मक्का के ऑफ सीजन में चारे वाली दलहनी फसलें उगाते हैं, जिससे मिट्टी के पीएच, कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन का स्तर काफी बढ़ जाता है और मक्का फसल की पैदावार में 25% का इजाफा होता है। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में मक्के की पैदावार में सबसे अधिक वृद्धि बीन्स, लोबिया और सोयाबीन जैसी फलियों के फसल चक्र के दौरान पाई गई। इनके मल्च पर मक्का लगाने से मिट्टी में नमी कायम रहती है, स्टिग्रा संक्रमण और कीड़ों का खतरा भी कम रहता है। मोजाम्बिक में मक्का अरहर की इंटरक्रॉपिंग, शून्य जुताई और मल्चिंग करने से बारिश के दौरान किसानों को कम नुकसान उठाना पड़ा है। किसान भाइयों, अगली बार हम फिर खेती की एक नई जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। कृषि से जुड़ी सलाह पाने के लिए सियाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।